नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। भरोसे का नाम है टीवी 20 न्यूज, जो रोज उपलब्ध कराता है ताजा तरीन खबरें। देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरों के साथ आइए नजर डालते हैं इस खबर। लखनऊ से खबर है, जहां राष्ट्रीय युवा अधिकार मंच की एक महत्वपूर्ण बैठक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संसाक शेखर सिंह पुष्कर के नेतृत्व में राजधानी लखनऊ में आहूत की गई। बैठक में 7 जून को नई दिल्ली जंतर मंतर में आयोजित युवा सत्याग्रह कार्यक्रम को सफल बनाने एवं अन्य रणनीति पर चर्चा हुई। यूपी प्रेस क्लब लखनऊ में प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष संसाक शेखर सिंह पुष्कर ने कहा कि कोरोना काल के चलते दिल्ली का कार्यक्रम टल रहा था, लेकिन सही समय अब आया है, क्योंकि गांधी जी अपनी युवा अवस्था के समय दक्षिण अफ्रीका में 7 जून के ही दिन भेदभाव, भारतीय समुदाय के साथ उत्पीड़न, अन्याय के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे। मंच भी छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों के साथ हुए भेदभाव, उत्पीड़न, अन्याय के विरुद्ध व उनकी बुनियादी सवालों के समाधान के लिए युवा सत्याग्रह के माध्यम से लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग पत्र को प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति तक अपनी बात पहुँचाएगा, जैसे कि वर्तमान में नौजवानों, बेरोजगारों के बुनियादी ख्यालों, सवालों का जवाब किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है और न ही किसी भी दल की नीति और नीयत स्पष्ट है। बुनियादी समस्याओं का समाधान सिर्फ राष्ट्रीय युवा अधिकार मंच कर सकता है, जिसके लिए युवा पीढ़ी से 65-70% की आबादी वाले नौजवानों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान संतोष सिंह एडवोकेट, जितेंद्र प्रसाद सिंह, डॉक्टर नीलम रूत पाल, दुर्गेश कुमार, कौरव कुमार वर्मा, प्रतिभा कुमारी, महेंद्र रावत, मोहम्मद आमिर, राम खिलावन पटेल, विश्वजीत गिरी, महेंद्र रावत, प्रांशुल मिश्रा, मोहित सिंह, विजय पांडे, अतुल सिंह, ज्ञान वर्मा, सरदार कवलजीत सिंह, मनोज चौहान, सुजीत गुप्ता आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। अभिनव आंदोलन की शुरुआत किया गया था, उसी क्रम में छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों के बुनियादी सवालों को लेकर के उनके साथ जो अन्याय, उत्पीड़न हुआ है, उनके साथ भेदभाव हुआ है, अभी तक उनके लिए कोई नीति नहीं बन पाई है, उनके लिए कोई राष्ट्रीय स्तर पर आयोग नहीं गठन हो पाया है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जैसी कोई ठोस कार्य योजना नहीं बन पाई है, उन्हीं सारे सवालों को लेकर के जंतर मंतर पर 7 जून को युवा सत्याग्रह के माध्यम से छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों के बुनियादी सवालों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी को मांग पत्र के माध्यम से अवगत कराएंगे। सरकारें आती हैं, कहती है नौजवानों के साथ, किसानों के साथ खड़े हैं, मगर जब सरकार बन जाती है तो कहने के ये लफ्ज जो है विफल हो जाता है, इसको कैसे? बिल्कुल उन्हीं सारे बुनियादी सवालों को लेकर के मैं दिल्ली जा रहा हूं। आप जानते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश में सक्रिय रहा हूं, इन्हीं सवालों को लेकर के ये जवाब मुझे चाहिए कि आज के 70 साल में अभी तक युवाओं को सिर्फ वोट बैंक और प्रचार तंत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा, इन्हीं सवालों को लेकर के कि नौजवान सिर्फ वोट बैंक और प्रचार तंत्र तक सीमित कब तक रहेगा, उनके लिए राष्ट्रीय युवा आयोग कब बनेगा, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जैसी योजना कब बनेगी, योग्य कुशल नौजवान कब तक सड़कों पर भटकेगा। आप देखेंगे कि बेरोजगारी इतनी चरम पर है, पढ़ा लिखा बेरोजगार आज अवसादग्रस्त है, अपराध की तरफ बढ़ रहा है, तमाम इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं, हर 2 घंटे में 3 बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, ये NCERB की रिपोर्ट कर रही है। इन्हीं तमाम बुनियादी सवालों को लेकर के जो राजनीतिक दल अभी तक नहीं कर पाए, छात्रों, नौजवानों को गुमराह करते रहे, उनको सिर्फ वोट बैंक प्रचार तंत्र के रूप में इस्तेमाल करते रहे, अब उन बेनकाब हो चुके हैं। ये लड़ाई स्वयं नौजवानों को लड़ने पड़ेगी, मैं नौजवानों को हमेशा जागरूक भी करता रहा हूं, और ये लड़ाई अब राष्ट्रीय स्तर रूप लेगी और 7 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी को ये अवगत कराएंगे। ज़्यादा दूर न जाइए, 7 महीने पहले जो है BS के लड़के जो थे उनको नौकरी नहीं मिल पाई, उन्होंने अपनी डिग्री जो है विधानसभा के सामने जला दी, और वो ये कहते हैं कि डिग्रियों का क्या फायदा जब प्रधानमंत्री जो है इन्हीं सारे सवालों को लेकर के मैं प्रधानमंत्री जी के पास राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना बनाए जाने को लेकर के कि यदि इंटर से ही, प्रारंभ से ही यदि उसके अंदर कोई कुशलता है, उसके अंदर योग्यता है, तो उसके योग्यता का सम्मान हो, उसके लिए राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना बनाया जाए। क्योंकि 2 करोड़ रोजगार की आपने बात कही थी, 2 करोड़ रोजगार के नाम पर देश की सत्ता में आपको दोबारा प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला, यदि ऐसा नहीं हुआ तो यह नौजवान आपको सत्ता पर बिठाना जिस तरीके से जानता है, सत्ता से उतारना भी जानता है। 65% नौजवानों की आवाज को लेकर के मैं जंतर मंतर दिल्ली जा रहा हूं 7 जून को, और इन्हीं सारे सवालों को लेकर के मैं, ये सत्ता पक्ष से भी मेरा सवाल होगा और विपक्ष के भी उन लोगों